जैज कैश। बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा जो एक वाकया मेरे साथ हुआ 19 जनवरी 2021 को। कहानी कुछ ऐसी है कि 19 जनवरी को मैंने दोपहर के टाइम पे एक जैज का पैकेज करवाया, इंटरनेट बंडल। उसकी प्राइस थी 202 रुपये। मैंने पैकेज कराया, मुझे इंटरनेट की ज़रूरत थी, नेट नहीं चल रही थी घर पे। मैंने सोचा मोबाइल पे कराऊंगा, लैपटॉप पे कनेक्ट करूंगा और उससे काम कंप्लीट करूंगा। मैंने नेट का पैकेज कराया, वहां पे मुझे नज़र आया कि बंडल सब्सक्राइब जो उसका बंडल का ऑप्शन होता है, और उसके बाद मैंने मोबाइल बंद किया, उसका जो है वो हॉटस्पॉट खोला, चल मेरा भाई कनेक्ट किया और मैं काम करना शुरू हो गया। 5 मिनट के बाद मैंने देखा इंटरनेट नहीं चल रही थी। मैंने सोचा शायद कनेक्ट नहीं हो रहा होगा सही, कि कोई होता है ऊपर नीचे हो रहा होगा। मैंने मोबाइल खोला और मैंने इंटरनेट बंद की और अपना जो घर का PTCL इंटरनेट था वो मैंने चलाना स्टार्ट कर दिया। मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। थोड़ी देर के बाद मेरी नज़र पड़ी मोबाइल पे और मैंने देखा कि यार देखो तो सही है, मोबाइल इंटरनेट पैकेज चल क्यों नहीं रहा। मैंने फिर गौर किया तो पता चला मेरा पैकेज एक्टिवेट नहीं हुआ था, बल्कि मुझे बैलेंस भेज दिया गया है और उस बैलेंस से मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा था और सारा बैलेंस ख़त्म। चल मेरे भाई, अब मैंने देखा, मैंने लगा यार क्या करूँ। मैं सबसे पहले गया जैस कैश में, मैंने देखा कि मैंने नंबर सही डायल किया था कि नहीं, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैंने नंबर गलत डायल किया था और पैकेज कहीं और चला गया। मैंने सोचा कि यार पहले अपनी गलतियों के ऊपर आ जाओ, क्या गलती मैं कर सकता हूँ। मैंने ये देखा, दूसरा मैंने देखा कि यार मैंने कोई और गलती तो नहीं कर दी है। दूसरी गलती की तरफ गया, मैं जैज वर्ल्ड का ऐप जो था मैं उस पर खोला, उस पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था मुझे। फिर मैंने जो है वो जैज को कस्टमर सर्विस पे कॉल की। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप जैज को कॉल करें तो आपको कुछ अमाउंट पैसे आपको भरने पड़ते हैं और वो आपको वेट पे वेट करते हैं और आप जो है बैठे हुए होते हैं, उनकी जो कॉलर ट्यून होती है और जो उनकी एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो आपको रिपीट करता है, उसके बाद ऑटोमेटिक फ़ोन कट जाता है। फिर थोड़ी जिद्दोजहद के बाद मुझे कस्टमर सर्विस की तरफ जो है कॉल चली गई। मैंने उनसे बात की, मैंने बोला भाई ये मसला है। उन्होंने मुझसे बोला सर आपने किस तरीके से पैकेज करवाया। मैंने बोला भाई मैंने जैस कैश से कराया। उन्होंने बोला भैया आप जैस कैश को फ़ोन करें, आपने जैस डायरेक्ट फ़ोन किया। मैंने बोला चले ठीक है, मैंने माजरत की। उसके बाद मैंने जैस कैश को फ़ोन मिलाया। अब जैस कैश का जो मतलब प्रोसीजर है वो भी कुछ ऐसा ही है, वो एक ऑटोमेटिक जो उनका डायल टून है, वो जो एक सर्विसेज हैं, ये दबाएं तो ये करें, ये दबाएं ये करें। अब मैं उसमें चल रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने लगा यार ये कस्टमर बंदे का कैसे फ़ोन मिला है। फिर मैंने कुछ एक दो नंबर डायल किए और ये किया, फिर कस्टमर सर्विस पे चला गया। अच्छा भाई, कस्टमर सर्विस पे गया, मैंने डायरेक्ट उसको बताया, उसने बोला भाई ये सीन है। मैंने उसको बोला और ये और वो, उन्होंने बोला सर आप टेंशन नहीं लें, 24 घंटे में आपका काम हो जाएगा, ऐसा इशू नहीं है। मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया ये और वो, मैं चिल हो गया। मैंने लगा ठीक है भाई, मसले होते हैं। मैंने फ़ोन रख दिया। एक दिन गुजर गया, दो दिन गुजर गया, मैं अपने बाकी कामों में मसरूफ़ था, लेकिन मेरे बैक ऑफ द हेड ये मुझे मालूम था कि मैं 202 रुपये जो मेरे खर्च हुए हैं ये जो है भाई ऐसे ही थोड़ी कि मैं छोड़ दूँ इनको। मैंने बोला यार इस पे परस्यू करना है। मैंने 2-3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, आई थिंक 4-5 दिन गुजर गए थे। फिर दोबारा मैंने जैस कैश पे फ़ोन किया, ठीक है, बैलेंस नहीं था, मैंने लोन लिया, लोन से फिर मैंने कॉल मिलाई, कॉल मिला के फिर मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे बात की और मैंने उनको बोला कि भाई ये मसला है और मैं जो है वो 19 जनवरी को अपना वो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपका कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है हमारे पास, अगर आपकी कंप्लेन होती तो हम कैरी फॉरवर्ड करते ये और वो। अब मैं उस वक्त इतना फ्रस्ट्रेटेड और इतना इरिटेटेड फील कर रहा था, क्योंकि जब 19 जनवरी को मैंने कॉल की थी तो उस कस्टमर सर्विस ने जो रिप्रेजेंटेटिव था उस बंदे ने मेरा बिल्कुल जो एक बंदा होता है ना यार परेशानी, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, मतलब उसने न्यूट्रलाइज कर दिया पूरा सिचुएशन। और अब ये सुन रहा हूँ कि आपकी कोई कंप्लेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मैं बिल्कुल ही लिटरली आई वॉज एंग्री। और मैंने उससे बोला यार ये चीज़ें मैंने बातें की इधर उधर की ये और वो, और मैंने उससे कहा कि आपको
इस कंप्लेंट को फॉरवर्ड करें। उन्होंने बोला भाई टेंशन नॉट, आपका जो है एक से दो घंटे के दरमियान में हमारे जो हेड्स हैं वो आपको कॉल करके आपसे बात करेंगे। खैर एक घंटा दो घंटा काफ़ी टाइम, मतलब फर्स्ट हाफ जो है वो ख़त्म हो चुका था और सेकंड हाफ भी तकरीबन ख़त्म होने वाला था, तब जाके एक फ़ोन आता है जैस कैश का और जैस कैश वाले मुझसे पूछते हैं कि सर अब बताएं सीन क्या है पूरा डिटेल से। मैंने उनको पूरा डिटेल से बताया ये, और उस टाइम ना उस बंदे ने मुझे एक बहुत एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया था, और जो मुझे समझ में आ गया था कि इशू हुआ क्या। उन्होंने मुझसे बोला शायद सर आपने लोन लिया हुआ था और आपने पैकेज करवाया, पैकेज हमने किया नहीं, हमने आपको इजी लोन भेज दिया। मैंने उसकी बात समझ ली थी लेकिन मेरा जो पॉइंट था वो वैलिड ही था। मैंने बोला देखो भाई अगर फॉर इंस्टेंस मैंने लोन लिया हुआ भी तो पैकेज एक्टिवेट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, और अगर पैकेज किच एक्टिवेट होने की जगह आप जो है मुझे लोन भेज रहे हैं तो ये तो मेरे जो है आप इख्तियारात का यूज़ जो आप ख़ुद कर रहे हैं। हु आर यू टू डिसाइड टू सेंड मी मनी व्हेन आई एम आस्किंग फॉर अ बंडल। अगर मैंने ऐसे ही करना था तो मैं कार्ड लोड करता भाई, ठीक है, या मैं बाय करता डायरेक्ट 100 रुपीज़ का चार्ज लोड करता, मैं क्यों बंडल के ऑप्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। जैस कैश जिन्होंने यूज़ किया है वो सिंपल, इतना प्रोसीजर है नहीं, ठीक है, आप जाते हैं जैस कैश में, आपके अपने नंबर का जैस कैश है लेकिन आप फिर भी जाओगे सेपरेट बंडल में क्लिक करो, सेपरेट होता है, ठीक है। अगर लोड में हो लोड का एक सेपरेट जो बार बना हुआ होता है, बंडल्स का अलग सेपरेट बार आएगा, फिर आप जैस कैश जैस का ऑप्शन चूज करोगे, जैस को चूज करने के बाद फिर आप अपना नंबर डायल करोगे, फिर बंडल्स में जाओगे, बंडल्स जाके ये सारे बंडल्स में से एक बंडल सेलेक्ट करोगे, ऐसे सब्सक्राइब करोगे, फिर एंड में अपना कोड डायल करोगे। तो इट्स नॉट दैट ईजी कि आप डड़प गए आपने बैलेंस किया टड़प, जब मैं इतने प्रोसीजर करता हुआ आ रहा हूँ और अगर मैं बैलेंस नहीं है तो एक सिंपल ऑप्शन है डड़प भाई आप सब्सक्राइब ही ना करें अगले का बंडल, क्योंकि ऑब्वियसली उसका बैलेंस नहीं तो सब्सक्राइब कैसे होगा। जब पैसे नहीं होते फॉर इंस्टेंस तो आप सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हो तो आप नहीं कर पाते हो, और आप दोनों जैज कैश और जैज मेरे हिसाब से एक ही पोर्टल पर चल रहे हो ना। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर हम ये भी बात करें, नहीं भाई ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, जो भी, लेकिन मेरे हिसाब से यही था कि यार आपको किसने अथॉरिटी दे दी कि जब मैं बंडल के ऑप्शन में जा रहा हूँ और मेरे पास यहाँ पे पैसे नहीं हैं तो आपने पैसे क्यों भेज दिए। खैर ये सब चीज़ें थी, कॉन्टम्पलेट हो रही थी, बातें हो रही थी, मैंने ये सब चीज़ें कही। उस बंदे ने मुझे समझाया सर ये था और हमने होता ये है, उसने जो प्रोसेस समझाया वो सिंपल ये था, वो होता ये है कि आप जो है आप बाय करते हैं, सही है, लोड ही लोड बाय करते हैं आप और लोड से वो पैकेज एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी सब्सिडी ऑप्शन दूं यूफोन का होता है कि भाई आपका कोई भी पैकेज है, आपने लिया हुआ है लोन कुछ भी है, आप डायरेक्ट आपका पैकेज एक्टिवेट हो जाता है, कोई नो क्वेश्चंस आस्क्ड। लेकिन जायज़ में बिल्कुल डिफरेंट है, बाकी सर्विसेज में भी डिफरेंट होगा लेकिन ये प्रोसीजर मेरे साथ हुआ। अच्छा मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, मैंने इनको फिर भी कहा, मैंने बोला भाई नहीं मुझे तो आपने सेंड किया, आपके इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है, आपके पीछे जैस कैश के पीछे पूरी बैंक खड़ी हुई, ठीक है, अगर आप ऐसे अमल कर रहे हैं अल्लाह ना करे किसी और का बड़ा नुकसान हो जाता है तो फिर क्या करेंगे आप। मैंने बहुत उनसे बात बात की है, वो उन्होंने बोला सर ये हम देखेंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ, दो तीन दिन गुजर गए, उसके बाद मैंने ट्वीट की, कुछ मैंने ट्वीट पे लिखा, फिर मेरा जैस कैश वालों से डायरेक्ट उनसे बात होने शुरू हो गए, उनको मैंने नंबर दिया ये वो ऐसा है वैसा है, मैंने बोला भाई रिमबर्स करो मुझे पैसे चाहिए वापस। फिर उनका शायद मेरे ख्याल से आया था रिस्पॉन्स कि नहीं करेंगे हम या फिर ऐसा नहीं हो सकता, फिर ऐसा कोई डिसअपॉइंटिंग मैंने ट्वीट मतलब मैंने डायरेक्ट मैसेज का रिप्लाई किया, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मेरे ख़्याल से आज जो है उनका मैसेज आया है कि भाई आपके 202 रुपये हमने वापस सपोर्ट कर दिए, ये लीजिए वापस, तो ही मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैंने भाई सिंपली जो होता है हमारे यहाँ, ठीक है भाई हमने यूज़ कर लिए पैसे, एक हो गया अब मामला यहीं ख़त्म। लेकिन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था इस चीज़ का जैस कैश का, ये हाईलाइट करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि दे रिस्पॉन्डेड, ठीक है भाई, कस्टमर का उन्होंने उनको वैल्यू दिया, उनको रिस्पॉन्ड दिया
और बताया भाई जो भी इशू है हम बशर्ते थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन हम आपका ये इशू रिजॉल्व कर देंगे। दो तीन चीज़ें और हाईलाइट करने की हैं। फॉर इंस्टेंस ये वीडियो कुछ इम्पैक्ट करती है और इससे हाँ आप कुछ लर्न करते हैं वो ये है कि भैया फौरन आप रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करके बताएं कि भाई ये इशू है, जो भी मसला होगा वो आपको फीडबैक दे के आपको समझा देगा कि भाई ये आपने जो भी आपके साथ इशू हुआ है उसका रीज़न ये है और आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ये ना कहें कि सर कोई मसला ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है भाई, हो जाएगा, टेंशन ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जैस कैश वालों की तरफ से कि यार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आप ना करें, ठीक है। मैं मानता हूँ लोग ऐसी मजाक में भी फ़ोन करते हैं जैस कैश वालों को, ठीक है, या जैस को, उनको मज़े होते हैं कि भाई कॉल करेंगे, ऐसी तंग करेंगे, आई नो सही, अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट ना करें, सिंपल प्रोसीजर कर दें, ठीक है भाई, हमने कॉल की, आपका प्रोसेस हो गया, चल मेरा भाई। और कुछ ऑप्शन जो है वो जैस कैश के अंदर भी डालें, मे बी वहाँ पे हैं, क्योंकि नेट पे मैं सर्च कर रहा था, दो तीन चीज़ें मुझे नज़र आई थी लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, मेरे जहन उसको समझ ना सका होगा, शायद हो। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, तो बस कंक्लूड करूँगा ये वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका भी कोई ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ है रिसेंट हिस्ट्री में तो आप मुझे उसमें टैग करें, कमेंट्स में मुझसे शेयर करें कि भैया मेरे साथ ऐसा हुआ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।